Good morning, respective parents and dear students. Welcome you in your English class. Today we revise the chapter number 1 of English reader book, that is cleverness pace. Okay, बेटा मैंने आपको अच्छे से ये read करवा ही दिया था chapter. इस chapter में क्या था? There is a mango tree on the bank of the river. On this tree, a monkey lived, and near it in a river a crocodile lived. एक पेड़ पे एक बंदर रहता था और उसी के पास एक रिवर में एक क्रोकोडाइल रहता था. बोथ आर गुड फ्रेंड्स, दोनों क्या थे? अच्छे दोस्त हैं. तो वंस द मंकी, सॉरी मैंगो ट्री वॉज अ फुल ऑफ स्वीट मैंगो. एक बार क्या हुआ, जो मैंगो ट्री था वो अच्छे स्वीट मैंगो से भर गया. तो वो जो मंकी था वो रोज उसको प्लक करता मैंगोस को और खुद भी मैंगो खाता, एंड देन गिव टू क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल को भी देता. वो बहुत खुश होता. ये वो जो मैंगोस थे वो अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए घर ले जाता. वन डे उसकी वाइफ जो थी क्रोकोडाइल की, वो बोली कि जो रोज मैंगो खाता है, इतने स्वीट मैंगो खाता है, उसका जो हार्ट है वो कितना स्वीट होगा. ओके, तो वो कहते हैं मेरे को उसका हार्ट चाहिए. तो वो एक प्लान बनाता है देन ही कि मेरे बर्थडे का, सॉरी मेरे बच्चे बेटे का बर्थडे है, कि तुम मेरे बेटे के बर्थडे पर तुम्हें आना है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ कि रिवर के उस पार. तो ये प्लान बना के वो उसको अपनी पीठ पे बिठा के ले जाता है. लेकिन रास्ते में वो क्या करते हैं, उसको बता देता है कि मैंने, मेरे बेटे का कोई बर्थडे नहीं है, आई हैव ट्रैप्ड यू, मैंने तुम्हें फंसाया है. लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर वो सोचता है कि ये तो मुझे मार के खा जाएगा क्रोकोडाइल की फैमिली. देन वो एक प्लान बनाता है अपने माइंड में, उसके दिमाग में आइडिया आता है. वो कहता है कि मेरे दोस्त, मैं अपना जो हार्ट है वो वहीं पेड़ के एक होल में छोड़ आया, वो अभी मेरी चेस्ट में नहीं है. तो वो जो क्रोकोडाइल है वो बिलीव कर लेता है मंकी के वर्ड्स पे. देन ही टुक अ टर्न एंड स्वैम टुवर्ड्स द बैंक, और बैंक की तरफ वापस हो लेता है. उसके बाद क्या होता है कि फिर वो जल्दी से कूद के पेड़ पर चढ़ जाता है और उसको बोलता है कि तुम फुलिश हो, तुम मूर्ख हो, क्योंकि मेरा जो हार्ट है वो मेरे सीने में ही है. वो उसको कहता है कि अगर तुम चालाक हो तो मैं अगर तुम चतुर हो तो मैं चालाक हूँ. तो वो कहता है आज से तुम्हें मैं कोई मैंगो नहीं दूंगा. तो गुड बाय बोलता है. ओके बेटा, तो ये थे आपके चैप्टर. आपने अच्छे से इसको दोबारा रीड करना है, बिकॉज टुमारो विल बी आई गिव यू टेस्ट एंड देन आई गिव यू सम टिक द करेक्ट टाइप क्वेश्चंस. ओके बेटा, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पुट करूँगी, आपने टिक करने होंगे करेक्ट आंसर पे, एंड आई गिव सम वर्ड मीनिंग फ्रॉम चैप्टर. चैप्टर में से मैं कुछ वर्ड दूंगी आपको, जो कि आपने उसको मीनिंग लिखना होगा, क्योंकि मैंने आपको जब रीड करवाया था कुछ वर्ड्स लिखवाए थे वो भी, और मैंने आपको एक एक वर्ड की हिंदी भी बताई है वो भी. मैं कहीं से भी चैप्टर में से आपको वर्ड मीनिंग पुट कर सकती हूँ. ओके बेटा, देन यू रीड प्रॉपरली योर चैप्टर अगेन. ओके, तो कुछ वर्ड मीनिंग्स तो यही हैं आपके पास, एक्साइटेड, थ्रिल, शिवर, शेक फ्रॉम कोल्ड, फ्रिमली, स्टिलली, ट्रैप्ड, ट्रैप, कैच. ओके, यू रीड इट्स एक्सरसाइज, दैट इज टिक द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन आंसर, वैसे तो आपको बुक में से क्वेश्चन आंसर रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो मैं क्वेश्चन आंसर पुट करने वाली हूँ फ्रॉम द चैप्टर. ओके, क्योंकि अगर मैंने एक्सरसाइज में से डाल दिए, हो सकता है आप चीटिंग करके मुझे टेस्ट सेंड कर दो, तो आपने ऐसा नहीं करना. ओके बेटा, यू गिव मी योर टेस्ट. ठीक है, आपने अच्छे से ईमानदारी से आपका जो टेस्ट है वो मुझे सेंड करना है. ओके बेटा, और आपके उसके बाद ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. इसमें इसने आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, एंड ये भी मैं आपको पुट कर सकती हूँ. ओके बेटा,
नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।